For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies. अपनी जमीन 3 साल के लिए शंभू के पास गिरवी रखी थी। समय पर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ, फिर आज पैसे लेके आया हूँ तो शंभू पैसे लेने से मना कर रहा है। करार के मुताबिक भीमा ने रकम अदा नहीं की, 6 महीने बाद पैसे लाया है, अब यह रकम मैं नहीं लूंगा। अरे शंभू, गांव में 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है लेन देन में, तू चाहे तो 6 महीने का ब्याज ले ले, नहीं तो जमीन की फसल भी ले सकता है तू। मुखिया जी, मुझे आपके दोनों फैसले मंजूर नहीं, ना ही ब्याज का ना ही फसल का। तू क्या चाहता है, भीमा की जमीन हड़प लेगा तू? नहीं मुखिया जी, अब तो जो फैसला कोर्ट कचहरी देगी वही मंजूर होगा। शंभू, इस गांव के रीत रिवाज तू अच्छी तरह जानता है, और ये भी जानता है कि इस गांव के फैसले कोर्ट कचहरियों में नहीं मुखिया की ड्योड़ी पर होते हैं। भगू, मेरा फैसला इसकी समझ में नहीं आया, अब तू इसे अपनी तरह समझा दे। भीमा। जी मालिक। चल 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 चल। कभी बंद नहीं होने वाली है, जब देखो तब शरारत कर करके हमको तंग करती है। पता नहीं माया, तो अपनी हरकतों की वजह से देखना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। हाँ अरे यार रघु, अरे
शाम को कुछ सोमरस वगैरह का बंदोबस्त है कि नहीं है? कैसे घूमते रहेंगे हम लोग? यार बोल रहे हैं क्या हुआ? अरे गांव की गोरिया पनघट से आ रही है। देखो वो आ रहे हैं चारों चंडाल चौकड़ी, सारा सारा दिन लफंगों की तरह फिरते रहते हैं, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। चंपा आज इनको तू ऐसा मजा चखा दे कि ये चंडाल चौकड़ी जो है हमेशा याद रखे। उमर है, अरे क्या ख्याल है। हाय हाय हाय। ये गोपी तू दिल छोटा मत कर, बड़े दिल वाली है चंपा, चलती है तो जमीन हिलती है। मेरे को हिला के बताए ना तब मैं समझू। अरे इसको देखकर मेरी बोलती न जाने क्यों बंद हो जाती है। अरे ओ चंपा तू जरा जाते जाते इसे अपने रूप का रस तो पिलाती जा। अरे ये तो मधुमक्खी है पर शहद तो मीठा है ना। अरे मैं भी तेरा बाप हूँ, अगर इसे तेरी शादी ना करा दी तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा। पिला दे इसे अपने रूप का शहद, पिला दे पिला दे। अरे शहद कौन है? चार कपड़े धोने में कितनी देर कर दी तूने? सुबह से गई थी अभी आ रही है। जरा होश कर, घर में और भी बहुत सारे काम है। अकेली मैं ही मरती खपती रहती हूँ, सारा दिन नदी पे गुजार देती है। अब ये बचकानी हरकतें तू छोड़ दे, बड़ी हो चुकी है। तेरी हर रोज की शिकायतें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ, खीख ही करती रहती है। हे भगवान इस नालायक को कुछ अकल दे। अब सुन तुम सरजू आया? गीता आया वो? श्याम बेटा श्याम बेटा ये तुम्हारे माँ बाप है, पैर छूकर आशीर्वाद ले लो। प्रणाम जी। रहो बेटा बेटा मेरा बच्चा। ये हाँ माँ। हाँ बेटा श्याम। बेटा तुझे पाने के लिए मैंने और तेरी माँ ने नाग देवता से मन्नत मांगी थी। नाग देवता ने हमारी मन्नत पूरी की और तूने मेरी कोख से जन्म लिया, और प्रथा के अनुसार उस मांगी हुई औलाद को दूर रखना पड़ता था और हमारी मजबूरी, और जब तक औलाद बड़ी नहीं होती माँ बाप उसका मुंह नहीं देख सकते, अगर वो देखे तो अपशकुन कहलाता है। बेटा बेटा तुम्हारे मामा मामी के अलावा हमारा अपना कौन था? रिश्तेदार तो बहुत थे लेकिन कोई नहीं चाहता था कि मेरा घर बस जाता। आज तुझे देखकर मेरा दिल करता है कि मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि मेरा बेटा आ गया है, मेरा श्याम आ गया है। बेटा ऐसा कौन सा पल है जो एक पल के लिए मैं रो ही नहीं? बेटा ऐसी कौन माँ होती है जो अपने कलेजे के टुकड़े को दूर रखना चाहती है? बेटा हालात और मजबूरी बहुत मजबूत होते हैं, बेटा बहुत मजबूत होते हैं। नाग देवता ने तुम्हारी मन्नत पूरी करके तुम्हारे वंश की बेल बढ़ा दी हरिया। सरजू गीता आप दोनों तो मेरे श्याम के लिए यशोदा माँ और नन जैसे हैं। श्याम की परवरिश करनी शायद भगवान ने हमारे हाथों लिखी थी। आप दोनों का हमारे ऊपर उपकार ही नहीं बल्कि सैकड़ों जन्मों की ऋण की गट्टी है, और इस ऋण से मेरा सिर हमेशा झुका रहेगा। ऐसा मत कहो हरिया, ऐसा मत कहो, हमने तो हमारा फर्ज निभाया है। श्याम को पालने वाला तो वही है, वही नीली छतरी वाला। चलिए अंदर बैठकर बात करते हैं। चलो बेटा आइए। आओ चलते हैं। सारी उम्र कट रही है ये बोझ ढोते ढोते, क्या जिंदगी है मेरी, ना चाहते हुए भी वो सब कुछ करना पड़ रहा है
जो आज मेरी जिंदगी बन गई है। इस जिंदगी में किस किस गुनाह की सजा भुगता है आदमी, पर मैंने कौन सा गुनाह किया था? माया तू खाना खा लेना, खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, मौसम खराब है, अपना ख्याल रखना, मुझे तो जाना ही होगा। क्या बात है हरिया, आज बहुत खुश नजर आ रहा है तू। हाँ मालिक, सच बात है, बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा आज 20 साल के बाद घर आया है। अच्छा, 20 साल का हो गया तेरा बेटा? हाँ मालिक, पूरे 20 साल का हो गया है। क्या नाम रखा है उसका? श्याम नाम है मालिक। कल से उसे खेत पर काम करने भेज दे। भेज दूंगा मालिक, मेरे लिए तो आप दूसरे नाग देवता हैं। एक ने उसे धरती पर भेजा और आप पालनहार हैं। मालिक मैं चलता हूं। क्यों? हाँ जा। खाओ के तो। अरे तू दास क्यों है खेत की? बोल ना, चुप क्यों है? किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझसे? आ जा, बैठ। अरे जब तू हंसती है ना तो सच कहता हूं, सपने में भी मेरी उम्र आधी हो जाती है। सच कहता हूं कि तू, मैं तुझे गम में डूबा हुआ नहीं देख सकता रे। जब तू हंसती है ना तो तेरी हंसी सपने में भी मुझे मर्द बना देती है। आजकल तो पहले वाली खेत की नहीं रही। पहले तेरी हर बात में मजा था, लेकिन कोई दुख है जरूर जो तुझे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। बोलना, क्या दुख है तुझे? मैं तेरी चिंता समझता हूं कि तू, माया अब जवान हो गई है, सोचता हूं उसकी शादी करवा दूं, उसे भी छुटकारा मिल जाएगा। शादी? इतनी भी जल्दी क्या है मुखिया जी? गाँव में नया आया है? हाँ, मैं हरिया का बेटा श्याम हूँ। हरिया का बेटा श्याम जी? कितना बड़ा हो गया है, तू कितनी अच्छी बांसुरी बजा लेता है। बस यूं ही बजा लेता हूँ। बेटी श्याम, तेरी बांसुरी में हमेशा ऐसी ही मिठास रहे। चल बेटी माया, चल। माया मेरी बहू बन सकती।
ये हरिया के छोकरे के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिखाई देते मुखिया। अगर ऐसी हरकतें करता रहा तो गांव के बाकी छोरों को बिगड़ने में क्या देर लगेगी। पर हुआ क्या ये तो कहो पुजारी। अरे होना क्या था मुखिया, छोरे ने बांस में हवा भरना क्या सीख लिया, गांव की लड़कियों पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। और कोई लड़की होती तो बात और थी, लेकिन माया तो। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मुखिया। अब ये क्या जाने गांव की रीत, बाहर जो रहा है गांव में आकर सोच रहा है कि गांव वाले तो माटी के माधव हैं, कुछ जानते समझते तो है नहीं। ठीक है। तेरी बांसुरी में कोई जादू है, इसकी धुन मुझे पागल कर देती है। धुन सुनकर मेरे कदम इस बांसुरी की ओर चलने लगते हैं। मत बचाया कर ये बांसुरी, मत बचाया कर। Thank you.
अरे वो मजनू की औलाद। अरे कौन है आप लोग? क्या है? अरे नालायक, तुझे मालूम है ये माया कौन है? देवदासी की बेटी है। देवदासी? हाँ, हमारी होने वाली देवी माँ। देवी माँ? प्रथा के मुताबिक होने वाली देवी माँ पे बुरी नजर डालने का अंजाम जानता है तू? देखिए मैं तो सिर्फ मैं तुझे बताता हूँ ये प्रथा क्या होती है। देवी माँ की तरफ बुरी नजर से देखने का अंजाम क्या होता है? उसे छूने की सजा क्या होती है? देखो हाथ बंद लगाना। श्याम, मुझे तो तेरी बांसुरी तोड़नी पड़ेगी रे। नहीं, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। इसने ना ही मुझे बुरी नजर से देखा है और ना ही मुझे छूने की कोशिश की है। माया के कहने पर छोड़ दिया तुझको, जिंदगी पक्ष दी तेरी। आज के बाद अगर तूने माया की तरफ नजर उठाकर भी देखने की हिम्मत की तो आंखें फोड़ दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा, समझा? तुम जाओ, मैं कह रही हूँ तुम जाओ। होने वाली देवी माँ क्या होती है? माँ तो चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं? ये देवी माँ क्या होती है? माँ तेरी खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोल, ये देवी माँ क्या होती है? अभी तक तो शरारतें करती थी, अभी झगड़ना भी शुरू कर दिया। सारे गांव में उड़ती फिरती रहती है, अभी मेरा नाम रोशन करवाएगी। इधर उधर की बातें करके मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहती? बोल, ये देवी माँ से मेरा संबंध क्या है? क्यों पूछना चाहती है तू? इसलिए पूछना चाहती हूँ कि नदी पर मुझे श्याम मिल गया था। रघु और उसके साथियों ने श्याम को मेरे साथ देखा और उसे बेवजह ही मारना पीटना शुरू कर दिया। तब रघु ने श्याम को छोड़ते हुए बोला था कि माया हमारी होने वाली देवी माँ है, खबरदार जो इस पर बुरी नजर डाली। तो आखिर तुझे उन लोगों के मुँह लगने की क्या जरूरत थी? कितनी बार समझाया है तुझे, अपने काम से काम रख। फालतू में घूमने पर हजारों लोगों की नजर तुझ पे पड़ती है। जितने मुंह उतनी बातें होती रहती हैं। माँ, मुझे टालने की कोशिश मत कर, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। और तेरी ये बातें मुझे बहला नहीं सकती। बोल, ये देवी माँ क्या होती है? बोल, जवाब चाहिए तुझे? तुझे माँ चाहिए या जवाब चाहिए? बोल, तुझे क्या चाहिए? कितना मनहूस दिन था वो जिस दिन मैंने तुझे पैदा किया। माँ से जवाब मांगती है। मारो और मारो। अरे इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? तुमने जन्म दिया है ना इसको, तो अपने ही हाथों से मार डालो इसको। क्यों नहीं मांगेगी ये जवाब? हाँ, क्यों नहीं मांगेगी ये जवाब? बोलो इसे कि देवी माँ क्या होती है। दबाव और मारपीट से माया को अपने सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। किसी की जुबान सी देने से सच्चाई नहीं मरती। आज तक तो सिर्फ सुना था कि सच कह देने से सगी माँ को भी गुस्सा आ जाता है, आज तो सामने देख रहा हूँ। तू कौन होता इस सवाल का जवाब पूछने वाला? तू कौन होता इसकी तरफदारी करने वाला? तेरा और इसका संबंध क्या है? देवी माँ बनना और बनाना ये एक प्रथा है। प्रथाओं के चलन पर सवाल नहीं किए जाते, उनका पालन किया जाता है। आज तक ये सवाल किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। मैंने हिम्मत की है, मैंने पूछा है, मुझे जवाब दो। ये सवाल तो मैंने भी नहीं किया था, इसका जवाब मैं कैसे दूं? तो इसका मतलब ये है कि आज तक तुमने जो जिंदगी जी, तुम्हें खुद नहीं मालूम कि तुम किसके लिए जीती रही। ये जीना किसके लिए है? हाँ, किसके लिए है ये जीना? गांव वालों के लिए या फिर उस पत्थर की मूर्ति के लिए? क्या क्या तुमने कभी माया की जिंदगी के बारे में सोचा है? हाँ, उसे भी अपनी तरह एक देवदासी बनाने के लिए जी रही हो तुम। क्या कभी तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया कि माया कौन है? हाँ, किसकी बेटी है वो? उसका बाप कौन है? बाप? कौन बाप? हाँ, बाप।
बोलती क्यों नहीं हो तुम? कौन है इसका बाप? वो चार दीवारी में कैद भगवान, या फिर वो जो इस प्रथा और धर्म के ठेकेदार हैं? क्या नाम है इसके बाप का? हाँ, क्या नाम है इसके बाप का? अगर तुम बोलना नहीं चाहती तो तुम्हारी खामोशी का सीधा सा मतलब है कि माया इस प्रथा की नाजायज औलाद है जिसे यह समाज हरामी कहता है। उस समाज के लिए औरत सिर्फ दो मतलब के लिए होती है, एक कान के लिए और दूसरा कांच के लिए। लेकिन तुमने अपने आप को सिर्फ कान के लिए ही समझा। मुझे जानना चाहते हो तुम? मैं क्या हूँ, किस लिए पैदा हुई हूँ? तुमने तो अपना गुबार निकाल लिया, मैं अपना गुबार किस पर निकालूं? किसे भला कहूँ, किसे बुरा कहूँ? माया की पैदाइश को तुमने नाजायज औलाद कहकर एक माँ की कोख को गाली दी है। मैंने अपने खून से सींचा है इसे। माया को जन्म देकर मेरी कोख ने यह तो साबित कर दिया कि मैं माँ बनने का हक रखती थी, लेकिन पति के हाथों से भरे जाने वाले सिंदूर के लिए मेरी मांग आज भी सुनी है, जवानी में पांव रखते ही। आज से भगवान ही केतकी के पति रूप हैं। केतकी भगवान के नाम पर मंगलसूत्र पहने। केतु, कितनी भाग्यशाली हो तुम, भगवान से तुम्हारी शादी हो चुकी है। आज के बाद तुम्हें देवी मां के नाम से पुकारा जाएगा। अरे घबराओ मत, आज तो तेरी सुहाग रात का दिन है, और सुहाग रात लड़की की रंगीन कल्पनाओं का वो दिन होता है जब वो लड़की से औरत बनती है। ना 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 ना, सुहाग रात का ये मौका तुम्हारे और भगवान के मिलन का संजोग है। हाँ, बिल्कुल। संजोग है। देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, ये सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। उसकी मर्जी के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। हाँ, और आज के दिन तो मैं इंसान के रूप में भगवान का प्रतिनिधि हूँ। जो कुछ भी है उसकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, यही प्रभु की इच्छा है। उस दिन से आज तक ये केतु भगवान के इस नाम पर प्रथा की इस चक्की में पिसती चली आ रही है। कितनी बदनसीब रही होगी इस वंश के बेल की पहली लड़की, जिसकी बेल से पैदा हुई लड़कियां पीढ़ी दर पीढ़ी देवदासियां बनती आ रही हैं। बेटी, इसे होनी कहो या पूर्व जन्म का कर्म फल या किस्मत समझो, इस संसार में प्रलय आ सकता है, ब्रह्मांड बदल सकता है, लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। तेरे नसीब में भी यही लिखा है, तुझे भी इसी दौर से गुजरना है। न इसे भगवान बदल सकता है, न तुम। प्रथा की इस प्रचंड आग में हर देवदासी अपनी सारी उम्र जलती रहती है। मैं जा रही हूं।
दुनिया भर की मुश्किलों का निपटारा करते हो। अरे तेरी क्या मुश्किल है? कभी अपने घर के बारे में सोचा है? रघु कितना बड़ा हो गया है, आखिर कब तक मैं चूल्हा चौका करती रहूंगी? आपके जीते जी मुझे सुख नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? अरे लेकिन बात क्या है वो तो बोल। रघु कितना बड़ा हो गया है, अब घर में बहू की जरूरत है, उसकी शादी कर दीजिए। माया की शादी रघु की शादी से पहले कर दो मुखिया, माया जवान हो गई है। अगर माया की वजह से गांव में कोई घटना घट गई तो पूरे गांव में अनर्थ हो जाएगा। रघु की शादी माया की शादी के बाद करना ही ठीक रहेगा। मालिक धनु आया है। हाँ आया। हाँ धनु क्या हुआ भाई? मुखिया जी, क्या बात है? मुखिया जी मैं तो लूट गई, मेरे तो नाक कट जाएगी। अरे ऐसा क्या हो गया, क्यों नाक कट जाएगी तेरी? मुखिया जी मेरी बेटी शादी के पहले ही माँ बनने वाली है और सोनू इससे शादी करने को इनकार कर रहा है। उसके घर गए थे, उसने हमें मार के भगा दिया। अच्छा तू चिंता मत कर, तू शाम को अपनी बेटी को लेकर पंचायत में आ जाना, फैसला मैं तेरे हक में करवा दूंगा। बहुत 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 मेहरबानी मुखिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी। अरिया जी मालिक, आज शाम की पंचायत के लिए सभी लोगों को खबर कर दो। जी मालिक। मुखिया जी मैं गोनू से प्यार करती हूँ मुखिया जी, मेरी कोख में इसका बच्चा है मुखिया जी, मेरी इससे शादी करा दीजिए, मैं आपसे इंसाफ चाहती हूँ मुखिया जी, मेरी इससे शादी करवा दीजिए वरना मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, मेरी इससे शादी करवा दीजिए मुखिया जी, मेरी इससे शादी करवा दीजिए। हमने तुम्हारी फरियाद सुन ली। क्यों रे ये तेरा है? हाँ मालिक। तो फिर शादी करने से इनकार क्यों कर रहा है? गलती हो गई मालिक, माफ करो, मैं इससे शादी करने को तैयार हूँ। ठीक है, शादी की तैयारी शुरू करो। मुखिया गांव में किसी भी शुभ कार्य का मुहूर्त भगवान की पूजा अर्चना और उसकी इच्छा से ही होता है। तो भगवान की क्या इच्छा है? इच्छा ये है भगवान की कि माया की शादी पहले भगवान से करवा दी जाए। तो गांव वालों ये फैसला तो हो गया, अब पुजारी जी की राय यह है कि इस शादी से पहले भगवान और माया की शादी हो जानी चाहिए, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? माया की शादी भगवान से कर देना उचित होगा। माया भगवान की दासी है और भगवान की इच्छा को पहले ध्यान में रखना उचित होगा। किसने कहा? उस पत्थर के गूंगे भगवान ने कि माया उसकी दासी है, किससे कहा उसने कि उसकी शादी माया से करा दो? किससे कहा उसने कि माया उसकी पत्नी है? यह पत्थर की मूर्तियां कब से एक दासी की इच्छाएं पूरी करने लगी? जरा सोचो, जरा सोचो, क्या पत्थर की मूर्ति के संबंध पति पत्नी के संबंध जैसे बन सकते हैं? क्या वो भगवान बोल सकता है कि वो माया की जवानी को समझ सकेगा? या फिर आप बताइए कि माया किसकी दासी बनेगी, उस भगवान की, पुजारी की या मुखिया की? खामोश। अब अगर एक लफ्ज भी आगे बोला तो वो शब्द बोलना क्या सीख गया है? परसों से चली आ रही रीति के खिलाफ आवाज उठाता है। हाँ, और मैं हर उस प्रथा का विरोध करूंगा जो एक इंसान को गुलाम बनाती है। देवदासी बनाने की ये प्रथा भगवान ने नहीं बनाई है, तुम जैसे खुदगर्ज और मतलबी लोगों ने बनाई है। इस प्रथा के नाम पर तुम गरीबों को बेवकूफ बनाते हो। ये बांसुरी वाले, क्या सारे गांव वाले बेवकूफ हैं? एक तू ही बुद्धिमान है? आज तक गांव में जितने लोग पैदा हुए क्या सब वो बेवकूफ थे जो गांव वालों को प्रथा के बारे में समझाने निकला है? देखो, गांव के सभी लोगों की सहमति से और शादी की तिथियों के मुताबिक कल माया के गले में भगवान से शादी की सगुन की माला पहना दी जाएगी। मेरी बात सुनो, तुम लोग समझने की कोशिश करो,
ये माया के गले में भगवान से शादी के शगुन की माला नहीं। इस प्रथा के नाम पर पुजारी और मुखिया की रखेल बना दिए जाने की जंजीर होगी। इस गांव में भगवान की खिलाफत करने का नतीजा तुम नहीं जानते। उसकी बुरी नजर जब किसी पर पड़ती है ना, तो आदमी सड़ सड़ के मरता है, सड़ सड़ के। सड़ सड़ कर मुझ जैसा पाक और साफ आदमी नहीं मरता। वो लोग मरते हैं जिनके कर्म और वचन में खोट होता है। देवदासी भगवान को नहीं चाहिए, तुम लोगों को चाहिए। अपनी हवस मिटाने के लिए तुम जैसे लोग देवदासियों को जन्म देते हैं। बदतमीज, बंद कर अपनी जुबान। यहाँ बैठे हुए लोग भगवान हैं और इस भगवान का फैसला अटल होता है। जो भी इसके फैसले के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, उसका अंजाम तुझे मालूम नहीं? लगो मालिक, मालिक मैं समझाता हूँ इसे। रुक जाइए, रुक जाइए मालिक, रुक जाइए। अरे तू इस बुढ़ापे में हमें सहारा देने आया है या मारने आया है? इस गांव में बोल, मारने आया है? तू मुखिया के खिलाफ बोलता है, अरे तू पुजारी के खिलाफ बोलता है, बोल क्यों बोलता है? अरे तू तो पैदा ही नहीं हुआ होता तो हम ये दुख सह लेते, लेकिन तू कमीने नालायक, मैं कहता हूँ मैं तुझे जान से मार डालूंगा, कुत्ते कमीने। अरे तुझे इस प्रथा के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत थी? आखिर तू क्यों बोला? बोल, अगर आज के बाद तू एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, कमीने कुत्ते, चल यहाँ से, मैं कहता हूँ चल यहाँ से। जब तक जिंदा हूँ मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। तू इस प्रथा का जमकर विरोध करूंगा। तू विरोध करेगा? हाँ बोल, हाँ करेगा बोल। हाँ, मैं विरोध करूंगा। हाँ, तू विरोध करेगा? हाँ, चल यहाँ से तू। बापू मैं कहता हूँ तू चल यहाँ से। कैसे विरोध करता है? विरोध करूंगा, चल यहाँ से तू। कभी नहीं करूंगा। हाँ कल तक जो बांसुरी सुरीली थी, रात को उसके सुर बिगड़ गए थे मुखिया। जब तक बांसुरी सुरताल में बजती है ना, तब तक वो मन मोह लेती है, और जब उसका सुर बेसुरा बजने लगे तो दिमाग में चुभने लगता है, नजरों में खटकने लगती है बांसुरी। बेसुरी बांसुरी बजाने वाला कहीं पूरे गांव को ही बेसुरा ना बना दे। अगर गांव की इज्जत आबरू को बचाना है, बजाने वाले और बांसुरी दोनों को तोड़ देना ही ठीक रहेगा। आप तक खबर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। वैसे फैसला आपके हाथ में है। पंचायत में तुम्हें बोलने की जरूरत क्या थी? क्यों झगड़ा किया मेरी खातिर? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है मेरा? सुनो, क्या रिश्ता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिर्फ रिश्तों के लिए लड़ा नहीं जाता। मुझे उस प्रथा के खिलाफ गुस्सा आया था। ये लोग तुझे प्रथा के नाम पर गुलामी के रास्ते पर धकेलने की जिद कर रहे हैं। ये मेरा जाती मामला है। तू कौन होता है दखलंदाजी करने वाला? मैं गुलामी के रास्ते पर चलूं चाहे ना चलूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आज के बाद मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने की कोशिश मत करना। माया, माया सुनो तो। मालिक हरिया, बीस साल बाद तू अपने घर में उस इंसान के बच्चे को लाया था या उस जहरीले नाक को? बोल, बोल।
जिंदगी भर मेरा नमक खाकर मेरे ही खिलाफ खड़ा कर रहा उसे तू। मालिक, नाचिस अजना सा बच्चा आपके खिलाफ। मालिक, तो फिर भरी पंचायत में उसकी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मालिक, बच्चा है अभी, गलती हो गई, माफ कर दो। मालिक, माफ कर दो। मालिक, मुखिया क्या कर रहे हो तुम? हरिया को मारने पीटने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो पुजारी, अब तो माया की शादी की तारीख तय हो जानी चाहिए, तभी यह झंझट मिटेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हरिया, नहीं हरिया, माफ कर दो से मालिक। उठ, अरे उठ जा, आजा आजा। मालिक नहीं, अब तू एक काम कर, तुरंत जा और केतकी और माया दोनों को लेकर यहाँ आ जा, ठीक है? जी मालिक। हाँ, क्यों पुजारी, ठीक है ना? केतु, आओ हरिया, बैठो। तुम्हारे मुंह और नाक में से खून कैसा? पंचायत में श्याम ने जो कुछ भी बोला था उसी की सजा है ये। खैर, छोड़ो मुझे, आपको और माया को मुखिया ने फौरन घर पर बुलाया है। चलो मेरे साथ चलो। आओ केतकी, आओ केतकी। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि अब जितनी जल्दी हो सके माया की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अब यह जवान हो गई है और वैसे भी माया तुम्हारे पास भगवान की पवित्र अमानत है। इससे पहले कि उस पर किसी की नजर पड़े, भगवान की अमानत उसे वापस लौटा देनी चाहिए। इसी में तुम्हारी, माया की और सारे गांव की भलाई है, हैं? जी मुखिया। जाओ। चलो माया। आज के 5 दिन बाद आने वाली पूनम को माया की शादी भगवान के साथ होनी तय कर दी है। केतकी, जाओ और शादी की तैयारी शुरू करो। जी। तेरे गले में माला कैसे? जाने दे मुझे, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश ना कर, छोड़ मेरा रास्ता। जब तक बताएगी नहीं, जाने नहीं दूंगा। बताओ माया, ये माला क्यों पहनी? ये मेरा नसीब है, मैं इसीलिए ही पैदा हुई हूँ, भगवान को भी यही मंजूर है। मेरा पीछा छोड़ दे, मुझसे बात करने की कोशिश ना कर। लेकिन माया, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। माया, मैं तुम्हें इस नर्क से मुक्ति दिला के रहूंगा। हाँ।
चलो। मैंने तुझे पहले भी समझाया था, पर लगता है बात तेरी समझ में नहीं आई। इसे दूसरी तरीके से समझाना पड़ेगा। रामू, तूने ठीक ही कहा है। मार और इसको। कितनी बार समझाया, मुखिया एक मुखिया है और मुखिया का बेटा रघु वो एक होने वाला मुखिया है। तू नहीं समझेगा बेटा। देख, अगर तुझे कुछ हो गया होता तो क्या होता बेटा? अरे अभी तक तो वो मेरा मुंह देखकर इसे छोड़ते आए हैं, तेरी इन हरकतों को मेरी वजह से सहन करते आ रहे हैं, लेकिन अब मुखिया कभी सहन नहीं करेंगे। बेटा, कल सुबह उठकर मुखिया के पांव पकड़कर माफी मांग लेना बेटा। हां बेटा, मुखिया हमारे अन्नदाता हैं, अगर वो नाराज हो जाए तो कहीं हमारे साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए। मालिक, 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 इसे माफ कर दो मालिक। आप तो जानते हैं मालिक कि बड़ी मन्नतों के बाद हमें श्याम मिला है। मालिक, मालिक, मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। मालिक, हम पर रहम करो। मालिक, हम पर रहम करो। मालिक, रहम करो। मालिक, मैं आपसे अपने बेटे की भीख मांग रही हूँ। मालिक, उसे छोड़ दीजिए। मालिक, इसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। मालिक, अपनी दया की भीख मेरी झोली में डाल दीजिए। मालिक, डाल दीजिए।
श्याम। माया तुम यहाँ क्यों आई? आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों तुम खुद को और मुझे तकलीफ दे रहे हो? न चैन से जीने देते हो, न चैन से सोने देते हो, आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण तुम हो माया। मैं? माया, मैं तुम्हें एक देवदासी की जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। तो तुम क्या करोगे? मार डालोगे? मरना तो एक दिन निश्चित है ही माया, लेकिन भगवान के नाम पर देवदासी बन जाने पर जिंदगी भर रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन मर जाए। तो मैं क्या करूं? माया, हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। नतीजा जानते हो? मौत। मुझे मालूम है, लेकिन इस बदतर जिंदगी जीने से अच्छा तो मौत है। इससे क्या होगा? इस प्रथा से तुझे मुक्ति मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश मिलेगा कि एक देवदासी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस समाज में एक मिसाल कायम की। श्याम। हाँ माया। साजन ओ मेरी साजन, सजनी ओ मेरी सजनी, छोड़ के दुनिया की रस्मों को आजा हम तुम प्यार करें। कभी जुदा ना होंगे हम तुम, आजा ये इकरार करें। साजन ओ मेरी साजन, सजनी ओ मेरी सजनी, साजन ओ मेरी साजन, सजनी ओ मेरी सजनी। तेरा कौन हूँ? मेरी तकदीर है। ओ तेरी आँखों में क्या? तेरी तस्वीर है। मैं तेरा कौन हूँ? मेरी तकदीर है। आजा जमाने को ठुकरा के प्यार का हम इजहार करें। ओ मेरी सजनी, साजन ओ मेरी साजन, सजनी ओ मेरी सजनी। तेरा कौन हूँ? मेरा संसार है। ओ तेरे दिल में है क्या? तेरा ही प्यार है। मैं तेरा कौन हूँ? मेरा संसार है। आजा हम तुम मिलकर अपने सपनों को साकार करें। ओ मेरी सजनी, साजन ओ मेरी साजन, सजनी ओ मेरी सजनी, तोड़ के दुनिया की रस्मों को
आजा हम तुम प्यार करें। ओ मेरी सजनी साजन, ओ मेरी साजन सजनी, ओ मेरी सजनी साजन, ओ मेरी साजन सजनी, ओ मेरी सजनी साजन, ओ मेरी साजन सजनी, ओ मेरी सजनी। ऐ अरे यार झगड़ू है, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा यार? अपन के बारे में भी कुछ सोच यार, सोच यार। सोचता हूँ यार अपना भी झोपड़ा हो, एक बीबी हो, छोटे छोटे बच्चे हो, जो अपने को भी बाबू बाबू कह के पुकारे रे। बाबू बेटा बेटा है बेटा रितु। माया क्या कर रहा है तू? मैं पूछता हूँ यह हथियार क्यों खींच रहा है? अरे तू उन लोगों को नहीं जानता, आखिर तू चाहता क्या है? क्यों हमारी जिंदगी में आग लगाना चाहता है? बोल मैं कहता हूँ बोल। उस दिन तुम्हारी जिंदगी की कथा सुनकर मैं सुन हो गया था। उस दिन पंचायत के बीच में मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है, और सच्चाई कहने में अगर मेरी जान भी जाएगी तो मुझे परवाह नहीं। आज मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मैं माया से शादी करना चाहता हूं, उसी मंदिर में, उसी भगवान के सामने जिस भगवान से उसकी शादी होने वाली है। अगर उस भगवान में रत्ती भर भी सच्चाई है तो साक्षात रूप लेकर उस शादी को रोकेगा, और अगर वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है तो मैं माया से शादी करूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रथा के नाम पर हर समर्थ आदमी असमर्थ आदमी को गुलाम बनाता है। शाम तुम बहक रहे हो, तुम्हारी जवानी का खून नहीं भला या बुरा सोच रहा है। मैं भला बुरा सब अच्छी तरह सोच रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं सोच रही हो। अपनी बेटी को उसी आग में धकेल रही हो जिस आग में पूरी जिंदगी तुम्हारी देह चलती रही। तुमने तो अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया, लेकिन माया को अपनी तरह देवदासी बनाकर क्यों उसे उसी नरक में जीने के लिए मजबूर कर रही हो? क्यों? मैं जानती हूँ मुंह खोलने का नतीजा क्या होता है, मौत। घुट घुट कर जीने से अच्छा तो एक ही बार मर जाना है। ठीक है श्याम, तुम दोनों का यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। ठीक है, हम आज रात ही शादी करेंगे। माँ मेरी बच्ची। हे भगवान, इस प्रथा के अनुसार ये तुम्हारी होने वाली देवदासी है, मैं इससे शादी कर रहा हूँ। तुम्हारे नाम पर अय्याशी करने वाले तो जरूर नाराज होंगे, लेकिन प्रभु तुम मुझ पर नाराज कभी मत होना। फिर सुखी रहो। चलो माया। माया
जाने दे, बाहों में आग बाहे। ओ आ जाने दे, बाहों में आग बाहे। आ मिलने दे सांसों से, आज सांसें। आ जाने दे बाहों में आज बाहें। आ जाने दे बाहों में आज बाहें। मौसम है मिलने दो तन बदन। ओ आ जा होने दो दिल से दिल का मिलन। ओ मिलने का मौसम है मिलने दो तन बदन। श्याम के साथ इस तरह भाग जाना पूरे गांव के लिए अपशकुन की निशानी है। अगर आज माया की शादी भगवान के साथ नहीं हुई तो भगवान के प्रकोप से इस पूरे गांव को कोई नहीं बचा सकता। उसकी बेआवाज लाठी पूरे गांव को तहस नहस कर देगी, बर्बाद कर देगी। जानता हूं मैं। अगर गांव में भगवान का कोई कहर बरपा हुआ तो उसके पूरे जिम्मेदार तुम होगे।
सिर्फ तुम। रघु जी, माया को किसी भी हालत में आज शाम तक हमारे सामने हाजिर करो। इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, और हाँ, खाली हाथ मत लौटना। जाओ, चलो। पता चला? कुछ पता नहीं चला। कहाँ है? कहाँ है? चलो, चलो, चलो। में नहा रहे हैं। चलो पकड़ो इन्हें, भागने न पाए। चलो श्याम, श्याम वो लोग आ रहे हैं, चलो जल्दी, नहीं तो हमें मार डालेंगे। श्याम चलो। अरे पकड़ो। जल्दी चलो, निकले। चलो माया, 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 छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ दो मुझे। माया, शाम बचाओ। माया, नहीं, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। नहीं, माया, शाम बचाओ। माया, नहीं, छोड़ दो। माया, माया, क्यों? चलो उसको।
शाबाश, इसे अपनी कड़ी निगरानी में रखो और इसकी शादी की तैयारियां करो। जाओ मुखिया जी, रहम। हे भगवान, हम गरीबों पर यह जुल्म क्यों करता है? मेरा बेटा। माया। रमैया, औरतों की सारी रस्में पूरी हो गई क्या? क्या नहीं, अबे बासी फूल भगवान के चरणों में नहीं चढ़ सकता। मुखिया, माया का कौमार्य भंग हो चुका है, अब माया की शादी भगवान से हरगिज नहीं हो सकती। अपराध, घोर अपराध। आज तक इस प्रथा के चलते इस गांव में किसी देवदासी ने ऐसी चरित्रहीनता नहीं दिखाई। प्रथाएं धर्म के पालन के लिए बनी है, जिन्हें समाज में मान और मर्यादा के साथ निभाया जाता है, लेकिन माया ने न सिर्फ इस गांव को बल्कि धर्म और समाज को कलंकित किया है। इसलिए मैं गांव की मान मर्यादा और भलाई के लिए माया को मौत की सजा सुनाता हूं। मुखिया जी, रहे मुखिया जी, नहीं, मेरी बच्ची को माफ कर दो मुखिया जी। मुखिया जी क्षमा कर दो, मेरी बच्ची को क्षमा कर दो। इसकी जिंदगी अब हमारे हाथ में है। साथियों, अब जब तक चाहे हम इसे जिंदा रख सकते हैं। सिर्फ तब तक जिंदा रखो जब तक इसका पूर्ण आनंद नहीं ले लेते। प्रथा के मुताबिक माया की शादी भगवान से तो ना हो सकी, पर सुहागरात हम मनाएंगे जरूर। तुम्हें जो भी करना हो जरा जल्दी करो, वरना सुहाग रात का मुहूर्त टल जाएगा। बांसुरी वाले की ऐसी बांसुरी बजाई बजाई बजाई। अरे जाओ रे तुम लोग, जाओ, मजा आ गया। रामू, उम्र में माया तेरा सहारा थी, माया की मौत की जिम्मेदार तू ही है केतकी, तू मां नहीं डायन है। इन्हीं हाथों ने शादी के बाद उसे आशीर्वाद दिया था, अब रोने से क्या फायदा? रो नहीं तो क्या करूं मैं, मां हूं ना मैं, मेरा जवान बेटा मर गया है। हे भगवान,
तूने शाम को लेना था तो क्यों हमारी मन्नत पूरी की थी? और क्यों उसे दो दिन के लिए भेजा था? ये सब तो उसी का खेल है, हम सब तो उसके खिलौने हैं। वो जितनी देर चाहता है जिस जिस खिलौने से खेलता है, और जब मन भर जाता है तो खिलौना तोड़ देता है। नहीं, शाम ने पंचायत में कुछ बोल दिया तो इसकी इतनी बड़ी सजा? नहीं नहीं देवकी, हर आदमी को अपने किए की सजा यही भुगतनी पड़ती है। देखना, एक दिन वो भी भुगतेंगे। लेकिन तू हिम्मत रख और सोच कि औलाद हमारे नसीब में थी ही नहीं। जब से भगवान से शादी का मुहूर्त टला है तब से भगवान नाराज हो गए। इस गांव में फैली महामारी से लोग मर रहे हैं। अरे यही तो है भगवान का प्रकोप। ये सब माया के व्यभिचार का फल है जिसे पूरा गांव भुगत रहा है। तबाह और बर्बाद हो जाएंगे लोग, अनाज के एक एक दाने को तरसेंगे लोग, भयानक अकाल पड़ेगा। पुरोहित जी, गलती कोई और करे और सजा हमें मिले, आप बहुत दयालु है, आप कुछ कीजिए। अरे भगवान तो बहुत दयालु है, मगर आदमी अत्याचार करके अगर भगवान से माफी मांगे तो क्यों देंगे माफी? अरे उनके हाथ में तो अत्याचारी के लिए सिर्फ सजा है सजा। पुरोहित जी, इस गांव पर होने वाले प्रकोप से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इतनी जल्दी भगवान से शादी कर पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है पुजारी जी। पुजारी, हम मुखिया होने के नाते भगवान को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैं तो हर पल भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हम पर क्रोधित ना हो। गांव वालों, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। इससे पहले कि तुम लोगों पर भगवान का कहर टूटे, आपस में फैसला कर लो और कल तक मुझे बता दो, वरना अरे यार मेरी जान है। सुनना इधर आने ये चमड़ों तुगी तो चमड़े साले चमड़ों साले कहीं मारते नहीं मेरे साथ आई थी अरे साले अरे यार साले अपनी लुगाई बापू। अरे यार संध्या, एक चीज की कमी रह गई। किस चीज की कमी रह गई थी? हाँ बोल। अरे यार, अगर आज दारू के साथ मुर्गी बन जाए तो मजा आ जाए। हाँ यार, तो मुर्गी लाने में कितनी देर लगती है यार? तू एक गिलास बना, मैं लाता हूँ मुर्गी। तुम लोग एक गिलास भी नहीं पी पाओगे तब तक मैं वापिस आ जाऊंगा। वाह संत्या। हाँ, ये हुई ना दोस्ती वाली बात। गोपी बनाएगा मुर्गी और हम सब चाटेंगे उंगली। ये गीला कपड़ा किस लिए? मुर्गी आवाज नहीं करे इसलिए। देखा, संत्या को बोलने की देर नहीं हुई, गया मुर्गी चुराने। तेरी बात को कभी टाले कभी टाले बोल। अरे बात टाली तो दोस्ती काहेगी? काहे की दोस्ती? बात जात की है, रात जात की है, है कि नहीं? है कि नहीं? अरे है कि नहीं? कौन है? आजा आजा। देखते हैं रात कौन है।
संध्या, संध्या, किसने मारा? नाम बता संध्या। बोल संध्या, तुझे किसने मारा? कौन है? बता संध्या। क्या नाम है? बता संध्या। संध्या! संध्या की मौत से ना जाने कौन सा संकट आने वाला है। ये मौत भी तो कहर की निशानी है। संध्या की मौत ने तो अजीब सवाल पैदा कर दिया है। पूरा गांव परेशान हो गया है। आज तक इस गांव में खून नहीं हुआ, पहला खून संध्या का हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, संध्या की दूर दूर तक किसी से दुश्मनी नहीं थी और गांव इलाके में भी किसी के साथ झगड़ा नहीं था, तो उसका खून करने की खूनी को क्या जरूरत पड़ी? कुछ भी हो यार, मुझे तो संध्या का हत्यारा इसी गांव का कोई आदमी लगता है। पर गांव का ऐसा कौन आदमी हो सकता है? हाँ यार, लगता तो कोई नहीं, लेकिन आजकल तो भरोसेमंदी कौन है। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब गांव के हर एक आदमी की बातों और उनकी हरकतों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। गोपी, तू आराम कर, कल सुबह देखते हैं। तू आराम कर। ठीक है, ठीक है, कल देखते हैं। गोपी, गोला, ए गोपी, आजा। प्रेत का मामला नहीं है। पहले संध्या मारा और अब गोपी। लगता है पूरे गांव पर किसी की बुरी नजर पड़ी है। जब से श्याम और माया की मौत हुई है, तब से कहर टूट पड़ा है। ऐसा लगता है कि सारे गांव की रक्षा भगवान करता आया है, मगर अब तो वो भी नाराज हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जब से भगवान की शादी टली है, तब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ है। अब तो पूरे गाँव को चौकन्ना रहना चाहिए। दो दिन बाद इसी चौपाल पर जलसा शुरू होने वाला है, और बुरा ना हो, मेरा तो दिल घबरा रहा है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जलसे में कोई बुरा ना हो। जलसे में तो लड़कियाँ अपना अपना वर ढूंढती है, मगर डर के मारे वो तो आएगी नहीं। किधर है लुगाई, किधर है लुगाई, ये है लुगाई, है लुगाई, दिखने रहा दो दो लुगाई, मेरी ये तेरी, दोनों एक ही है यार। Come on, man.
लड़ाई मेरी जाम कसम, ऐसे नहीं छेड़ो मुझे आती है शर्म, टूटेगी कलाई मेरी राम कसम। रूप की रानी हूँ मैं, चलती जवानी हूँ मैं, रुत मस्तानी में लाई। नहीं चाहिए थी मुखिया, गांव में दो दो नौजवानों की हत्या हो गई, मातम के वक्त खुशी के ढोल बजाने को किसने कहा था तुम्हें? किसने? अरे मातम के वक्त कहीं खुशियां मनाई जाती हैं? खूनी को पकड़ने के बजाय मुखिया तुम ढोल नगाड़े और खुशी की शहनाइयां बजवा रहे हो। एक बात कान खोल करके सुन लो मुखिया, अब इस गांव का सर्वनाश होने से भगवान भी नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं। अरे ओ पुजारी, डर गए पुजारी? प्रथा की आड़ में भगवान का नाम लेकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हुए डर नहीं लगता? और आप डर गए हो? सब कैसे? पुजारी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। केतकी,
अरे किसकी, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैं तो तुझे मुखिया का संदेश देने आया था। क्या? मुखिया ने कहा था कि केतकी को, पर अब ऐसी हालत में तो तू जा भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रख, मैं मुखिया को सब कुछ समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, चलता हूं। मालिक, केतकी की तबीयत बहुत खराब है, वो पलंग पर लेटी तेज बुखार में बड़बड़ा रही है। मालिक, ऐसी हालत में वो कैसे आ सकती है? ठीक है, तू जा। जी मालिक। मुखिया जी, मुखिया जी। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ मुखिया जी। केतु, अरे केतु, केतु तू यहाँ? अरे तो कह रहा था कि तुझे बहुत तेज बुखार है, तू बड़बड़ा रही है और आ नहीं सकती है। दरअसल वो तेरे पास गया ही नहीं होगा। हाँ, ये हरिया ना सख्या गया है आजकल। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब तो तू आ गई है ना, अब फिर आ गई है। आ जा, हाँ मेरे पास आ जा, आ जा। क्या हुआ? हटो, क्या हुआ? तेरे कातिल को नहीं छोड़ूंगा। धीरज रख, रघु धीरज रख। कर दिया, ये तो तू मेरे को क्यों मार रहा है यार? चल तेरी तो छोड़ यार झगड़ा, छोड़ अपनी लुगाई भली अपन भले, सोच लुगाई के बारे में सोच यार। हाँ
अरे रघु, गुस्से में आदमी की अकल खो जाती है। मुखिया जी को गुजरे दो दिन नहीं बीते और तूने गांव के लोगों को जरा जरा सी बातों पर मारना शुरू कर दिया। तो मैं क्या करता, वो दोनों बदतमीज कैसी कैसी बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि वो मेरे विरुद्ध बोलकर सारे गांव को भड़का रहे हैं। रघु तू बैठ, देख रघु, अब तो इस गांव का मुखिया है, लोगों के प्रति तेरा व्यवहार मुखिया जैसा होना चाहिए, ना कि एक बदमाश के जैसा। रात बहुत हो चुकी, मैं अपने घर जाता हूं, तू भी अपने घर जा। चिन चिनाई रामू, जवानी ऐसी आई। डर गए? रामू डरो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रामू कमीने का खून पी जाऊंगा, मैं इस बदमाश का खून कर दूंगा। क्यों मारना चाहता है इसे, क्या बिगाड़ा इसने तेरा? बचपन से लेके बुढ़ापे तक अपने खून से सींचा इसने तुझे और तेरे बाप को। यही मेरे बाप का कातिल है, संत्या गोपी और पुरोहित का खून भी यही है, आदम जात का खून इसके मुंह लग गया है। इसके मुंह में नहीं, तेरे मुंह में खून लग गया। मैं जानता हूँ ये सब तुम दोनों की मिली भगत है। बदतमीज, दूध को गाली देता है, जिस दूध को पिलाकर इतना बड़ा किया, संसार दिखाया, आज उसी का बदनाम कर रहा है, मां पर शक करता है। हरिया, इंसान को जहर मां की कोख से नहीं, पैदा होने के बाद इस वातावरण से मिलता है, इसकी गलती की मैं माफी मांगती हूं। Yeah.
रघु रघु ए रघु। कौन है? मैं हूं रघु, मुझे नहीं पहचाना? आओ रघु।
अंदाजा तू नहीं लगा सकती। बोल, कहाँ थी तू? बोल, कितना तड़पाया तूने मुझे। माँ, माँ तूने तो मुझे माँ की ममता दी थी, पर मैं तो अपनी कोख से एक बच्चे को माँ की ममता देने से पहले अपने सुहाग के लिए तड़पी। मैंने अपनी माँ का सिंदूर अभी सजाया भी नहीं था कि इन दरिंदों ने मेरे शाम का मेरे सामने मार डाला। मुखिया ने तो मुझे मौत की सजा दी थी, लेकिन लेकिन इन वैशी जानवरों ने मुझे मारने से पहले मेरे जिस्म को नोच नोच कर मुझसे बलात्कार किया। तेरे दुख को मैं समझ सकती हूँ बेटी। तुझ पर जो अत्याचार हुए उसे मैं महसूस कर सकती हूँ। ना जाने औरत पर ये अत्याचार कब खत्म होंगे। माँ, अत्याचारियों को खत्म करने के लिए अत्याचारी बनना पड़ता है। जो खेल इन कुत्तों ने मेरे साथ खेला, वही खेल तांत्रिक बाबा की मदद से मैंने इनके साथ खेला। बाबा इंसान के रूप में फरिश्ता है माँ, वो तो इन्होंने अपनी तरफ से मुझे मौत दे ही दी थी, लेकिन बाबा की मेहरबानी से आज मैं जिंदा हूँ और उन्होंने ही अत्याचार के विरुद्ध मुझ में इंतकाम की ज्वाला को जन्म दिया। माँ, माँ मुझे खुशी है, मैंने अत्याचारियों, धर्म के ठेकेदारों और झूठी इंसानियत के झूठे पहरेदारों को उसी जगह पहुँचाया है जहाँ उन्हें पहुँचाया जाना चाहिए था। मैंने इन लोगों को भारी भारी मारा है, पर इन सब लोगों को मारने का मुझे जरा भी दुख नहीं है। माँ, जब जब भी किसी की माँ, बेटी, बहन या पत्नी पर ऐसे अत्याचार होते रहेंगे, तब तब स्त्री पापी के पाप का अंत करने के लिए माया बनकर जन्म लेती रहेगी। माया, माँ, मेरी बच्ची। रघु, 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 क्या हुआ तुझे? रघु, नहीं, नहीं, नहीं।